आज अपने पास है एसुस का AIO और बॉक्स बहुत बड़ा है यार। हमने रिसेंटली PC भी बिल्ड किया है, लैपटॉप्स की भी अनबॉक्सिंग की है, पर आज सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं। तो भाई आज मैं आपके लिए लाया हूँ बड़ा बॉक्स, बड़ा धमाका करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स कंटेंट्स में आपको एक AIO मिल जाता है, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। एक वायरलेस कीबोर्ड माउस मिल जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही इंप्रेसिव है। इसी के साथ में 90 वाट का अडेप्टर मिल जाता है, पावर कोड मिल जाएगी, क्विक स्टार्ट गाइड के साथ में आपको एक वारंटी कार्ड भी मिल जाता है। बस यही सब चीजें मिलेगी इस बॉक्स में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू ड्रीमस्केप टेक्नोलॉजीज जिन्होंने ये ऑल-इन-1 PC हमें प्रोवाइड किया है। ये जयपुर के सबसे बेस्ट स्टोर है, यहाँ पर आपको लैपटॉप अपडेटेड स्टॉक मिल जाएगा एवरी टाइम। आप किसी भी ब्रांड का लैपटॉप यहाँ से बेस्ट प्राइस पे परचेज कर सकते हो और स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर फ्लैश हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया है, तो जरूर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा और हमारा रेफरेंस देते हो तो मे भी आपको और अच्छा डिस्काउंट मिले। अब चलिए बात कर लेते हैं इस ऑल-इन-1 PC के कॉन्फ़िगरेशन की। इसमें आपको इंटेल का i3-1215 UCPU मिल जाता है जिसमें आपको 6 Core 8 Thread मिल जाएंगे। इसमें आपको 1.2 GHz की बेस क्लॉक स्पीड मिल जाती है जो कि मैक्सिमम 4.4 GHz तक बूस्ट हो जाती है और ये इंटेल के हाइब्रिड आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसमें आपको 10 MB की Level 3 कैश मेमोरी मिलने वाली है और ओवरऑल इस CPU की परफॉर्मेंस बहुत ही डिसेंट रहेगी। इस वीडियो के बेंचमार्क्स और गेम प्ले वाले सेक्शन में आपको पता लग जाएगा कि इस PC की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इस AIO में आपको 8 GB की रैम मिल जाती है जो कि DDR4 3200 MHz पे क्लॉक्ड है और यहाँ पर Asus ने क्लियरली मेंशन कर रखा है इस PC की रैम को हम मैक्सिमम 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप इस PC की रैम को एक्सपेंड कर लेते हो अप टू 16 GB तक या फिर 32 GB तक तो इस PC की परफॉर्मेंस और भी स्मूथ हो जाएगी और यहाँ पर आप मल्टीपल एप्स को एक साथ रन कर पाओगे, तो डेफिनेटली आपको इस PC की रैम को अपग्रेड कर लेना चाहिए। स्टोरेज में यहाँ पर आपको 512 GB की M.2 NVMe SSD मिल जाती है। रीड राइट स्पीड बहुत ही इंप्रेसिव है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। अगर आप इस AIO की स्टोरेज को एक्सपेंड करना चाहते हो तो इसमें स्टोरेज अपग्रेड करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट नहीं है, तो आपको जो पहले से मौजूद SSD है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और तभी आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाओगे। तो ये चीज मुझे बहुत गलत लगी क्योंकि इतना बड़ा PC है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्लॉट मिलना ही चाहिए था। ग्राफिक्स में यहाँ पर आपको इंटेल USD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाता है जिसमें आपको 3.7 GB की शेयर्ड GPU मेमोरी मिल जाएगी और इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। मैंने यहाँ पर गेम प्ले टेस्ट भी किया है, वीडियो एडिटिंग भी की है और फोटोशॉप वगैरह भी रन किया है, उसमें ये ठीक ठाक परफॉर्म कर जाता है। तो इस वीडियो में मैंने सभी चीजें कवर की है तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है और मेरे इंटरनेट प्लान की स्पीड 40 MBPS है और ये इस स्पीड को वायरलेसली पूरी की पूरी अचीव कर लेता है। और इस AIO में आपको लैन पोर्ट भी मिल जाता है तो यहाँ पर आप 1 GBPS वाला इंटरनेट यूज कर सकते हो वायर के थ्रू, तो कनेक्टिविटी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इस सिस्टम में आपको आउट ऑफ द बॉक्स विंडोज 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 का सपोर्ट मिल जाएगा और ये चीजें काफी यूजफुल रहती है एक स्टूडेंट और ऑफिस यूजर के लिए। अब डिस्प्ले की बात करें तो इस AIO में आपको 21.45 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है और ये डिस्प्ले IPS पैनल के साथ में आती है। इसमें आपको वाइड व्यूइंग एंगल का भी सपोर्ट मिल जाता है और ये एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ में आएगी, तो आपकी आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं होगा और ये डिस्प्ले 250 Hz और 100% sRGB कलर गैमेट के साथ में आने वाली है। तो आप समझ रहे हो 50,000 के बजट में आपको 100% sRGB डिस्प्ले ऑफर हो रही है। एंड देखो अगर आपको कलर ग्रेडिंग का काम करना है या फोटोशॉप वगैरह रन करना है, आपको हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग करनी है तो डेफिनेटली ये डिस्प्ले आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, तो आप इस AIO के साथ में प्रोफेशनल लेवल का काम कर सकते हो। और अगर आप कंटेंट वगैरह कंज्यूम करते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, तब तो आपको मजा ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो बहुत ही वाइब्रेंट है। अब चलिए इस ऑल-इन-1 PC की बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखने में काफी एलिगेंट एंड प्यारा लगता है, आपकी डेस्क पे ये बहुत ही डिसेंट लगने वाला है और वायर मैनेजमेंट भी बहुत ही डिसेंट हो जाएगा। जो इसका बेस स्टैंड है उसके पीछे इसकी DC केबल को छुपा सकते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी वायर विजिबल नहीं होगा और इसमें आपको नैनो एज बेजल्स मिलती है, इसी वजह से ये काफी डिसेंट लुक भी ऑफर करता है। और इसका वेबकैम आपको हम्प डिजाइन में मिलने वाला है और ये इसके लुक को और भी इनहेंस कर देता है। इसका जो बेस स्टैंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग एंड हैवी रहेगा। इस ऑल-इन-1 PC की हिंज को आप सिंगल एंड से इजीली ऑपरेट कर सकते हो, इसकी हिंज स्मूथली से टिल्ट अप और टिल्ट डाउन हो जाती है, वो भी सिंगल हैंड से। तो इस ऑल-इन-1 PC की हिंज क्वालिटी बहुत ही स्मूथ रहेगी एंड ये चीज आपको भी इंप्रेस करने वाली है। और इस PC के राइट साइड में आपको कुछ स्टिकर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको इंटेल i3 CPU का लोगो मिल जाता है, HDMI का स्टिकर
स्पीकर मिल जाएगा। वहीं पर दूसरी साइड में आपको एसुस की ब्रांडिंग मिल जाती है और इस ऑल इन वन पीसी के रियर पर आपको एसुस की बड़ी सी ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको भर भर के पोर्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बॉटम एरिया पर आपको दो डाउन फायरिंग स्पीकर वेंट्स मिल जाते हैं और यहीं पर आपको एग्जॉस्ट वेंट और एयर इनटेक के लिए वेंट मिल जाते हैं। और एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें हीटिंग को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डिजाइन के मामले में ये पीसी बहुत ही डिसेंट रहेगा, तो अगर आप अपने ऑफिस या स्टडी के लिए क्लीन डेस्क सेटअप चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। अब पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको एक पावर इन पोर्ट मिल जाता है, एक RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है और एक HDMI आउट पोर्ट मिल जाता है। इसी के साथ में 3 USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए के पोर्ट मिल जाएंगे, एक USB 2.0 टाइप ए का पोर्ट मिल जाएगा और एक USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। और ध्यान रखना ये 5GBPS वाला पोर्ट है और इस टाइप सी पोर्ट से ओनली आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें पोर्ट्स अभी खत्म नहीं हुए भाई, बॉटम एरिया में भी आपको कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं। एक 3.5mm का हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है और एक USB 2.0 टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है। तो इस ऑल इन वन पीसी में भर भर के पोर्ट्स मिलने वाले हैं। अब चलिए इसके वेबकैम की बात कर लेते हैं। इसमें आपको HD वेबकैम मिलने वाला है जिसमें आपको ड्यूल इंटीग्रेटेड माइक के भी ऑप्शन मिल जाएंगे और इसमें आपको AI क्लियर वॉइस का भी ऑप्शन मिलने वाला है। इसको ऑन करके इसकी ऑडियो को और भी एनहांस कर सकते हो। ओके, अभी ये वीडियो इस AIO के वेबकैम से शूट हो रहा है एंड क्वालिटी आप खुद देख सकते हो, वैसे ठीक ठाक क्वालिटी रहेगी, आपको कोई भी एक्सटर्नल वेबकैम और माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यार, इसके वेबकैम की क्वालिटी भी बहुत ही डिसेंट रहेगी। अब ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 3 वाट के ड्यूल स्पीकर मिलने वाले हैं और ये डाउन फायरिंग स्पीकर रहेंगे और इसके स्पीकर्स वीजिएबल भी है। इसके स्पीकर्स में थोड़ा सा आपको बेस मिल जाएगा, आप खुद सुन के देख लीजिए। इसमें आपको सोनिक मास्टर के स्पीकर मिलने वाले हैं, तो आपको पता ही है इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। इस पीसी के साथ में आपको वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बो मिल जाता है एंड इनकी क्वालिटी भी बहुत ही डिसेंट रहेगी। ये काफी स्लीक एंड लाइटवेट रहेंगे। मैं इस पीसी को लगातार 4-5 दिन से यूज कर रहा हूं, जो इस कीबोर्ड के साथ में मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा। की ट्रेवल भी डिसेंट मिल जाता है और की स्पेस को भी मेंटेन किया गया है, तो टाइपिंग में आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ये कीबोर्ड माउस आपके डेस्क के लुक को और भी एनहांस करने वाले है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस ऑल इन वन पीसी के बेंचमार्क के। सिनेबेंच 843 के मल्टी कोर में ये 5470 का स्कोर करता है और सिंगल कोर में ये 1527 का स्कोर करता है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव स्कोर है और ये AMD के 7000 सीरीज वाले CPUs को भी बीट करता है। नेक्स्ट गीगबेंच 5 के सिंगल कोर में ये 1509 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 4720 का स्कोर करता है और OpenCL का स्कोर 9297 है। और यहां पर आप PC Mark 10 की भी रेटिंग्स देख सकते हो। अब बारी आती है गेम प्ले वाले पार्ट की। मैंने इस AIO पर ओनली GTA 5 रन किया है। फुल HD में आपको 25 से लेके 30 के बीच में FPS मिलने वाले हैं, जो कि क्वाइटली इंप्रेसिव है, और HD रेजोल्यूशन में आपको 35 FPS से लेके 45 के बीच में मिलने वाले हैं। यानी कि आप इस AIO पे कैजुअल गेम प्ले कर सकते हो, बट ज्यादा गेमिंग नहीं करनी है i3 CPU पे, क्योंकि भाई ये नॉर्मल टास्क के लिए बना है। हाँ, कैजुअल कर सकते हो, अगर ज्यादा गेमिंग करोगे तो भाई आपका i3 निकल लेगा भाई पतली गली से, तो इस बात का ध्यान में रखना। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भाई हम इस PC पे प्रोडक्टिविटी वाला टास्क कर सकते हैं या नहीं। मैंने इसमें प्रीमियर प्रो रन किया है, उसमें एक 4K टाइमलाइन क्रिएट की है जिसमें कुछ 4K वीडियोस इंपोर्ट किए हैं, तो मैंने इसको 2 लेयर के साथ में एडिट किया है और ये ओनली 1 मिनट का वीडियो था। इसको ये इजीली 2 से 3 मिनट में रेंडर कर लेता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट्स वगैरह यूज नहीं किए हैं, तो ये सिस्टम आपको हल्की फुल्की 4K एडिटिंग करवा देगा। बट अगर आप 1080p लेवल की एडिटिंग करना चाहते हो, लाइक अपने व्लॉग वीडियोस एडिट करना चाहते हो या हमारे जैसे वीडियोस एडिट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, ये इजीली हैंडल कर लेगा। बाकी इसकी डिस्प्ले 100% sRGB वाली है, तो यहाँ पर आपको कलर करेक्शन का भी बेनिफिट मिलेगा, आप यहाँ पर कलर करेक्शन के भी काम कर सकते हो। मैंने इस पे फोटोशॉप भी रन किया है, ये भी स्मूथली से ऑपरेट हो रहा था, यहाँ पर आपको कोई भी लैग नहीं मिलेगा। और मैंने इस सिस्टम पे मल्टीटास्किंग की है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ रन किए हैं और मल्टीपल टैब्स भी ओपन किए हैं ब्राउजर में, इस PC में कोई भी लैग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम पावर पे चलता है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको कोई भी बॉटलनेक भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको CPU की पूरी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अब बात आती है ये सिस्टम किन लोगों को बाय करना चाहिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या ऑफिस यूजर हो या फिर आप एक पेरेंट्स हो और आप अपने लिए एक ऐसा सिस्टम चाहते हो जिसके साथ में कोई छेड़छाड़ ना करे, ये सिस्टम एक डेस्क पे पड़ा रहे और इसको सब यूज करे, तो ये सिस्टम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप ये Asus का Vivo All In One PC परचेज करना चाहते हो तो इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। ये ओनली आपको 50,000 की प्राइस में मिलने वाला है। इस प्राइस में आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे और अगर आपको लैपटॉप PC कंप्यूटर को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आप कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं आपको इंटेल के 13 जनरेशन वाले लैपटॉप्स के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।